सो स्वागतम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर सेविंगलेस एपिसोड के बारे में, जो कि एपिसोड 10 जो आज रिलीज हुआ है। तो आज हम उनको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तुम लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 2000 कंप्लीट कर दो, तो बहुत कम बाकी है। एंड वीडियो को लाइक कर दो ताकि और बंदों तक पहुँचे। एंड कमेंट में बताओ तुमने डेमन स्लेयर देखते हो या डेमन स्लेयर तुम्हें कितना पसंद है, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कि डेमन स्लेयर नहीं देखते, उनको शेयर कर देना कि स्टोरी कैसा है, देख ले भाई हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑफकोर्स लाव हाशिरा के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था पिछले एक्सप्लेन में कि आखिरी लास्ट मतलब कल का जो नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें लव हाशिरा के बारे में ही बताया जाएगा, जो कि वही था। लेकिन एक और बात थी कि उसका स्टोरी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, समझे? मतलब बाकी जो कैरेक्टर्स की स्टोरी है, ये स्टोरी उतना ज़्यादा सैड या उतना कुछ यूनिक ऐसा कुछ नहीं है। शुरू करते हैं। पहले जब सीन में दिखाया जाता है लव हाशिरा लड़ाई कर रहे हैं अपर मून फोर से, एंड अपर मून फोर जो है ना क्या पावरफुल है। और देन हमें जो एनिमेशन देखने को मिला भाई, क्या खतरनाक दिख रहा था एनिमेशन भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था एनिमेशन। देन हमें मतलब मारते वक्त अब देखा जाता कि एक टाइम पर जब लव हाशिरा उसको पूरा गले में काटने जा रही थी, तब तांजिरो बोलता है कि भाई वो उसका रियल बॉडी नहीं है, तुम उसको काहे काट रहे हो। तब लव हाशिरा अपने आप को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त अपर मून फोर हमला कर देते हैं। एंड देन लव हाशिरा बेहोश हो जाता है। एंड जब बेहोश हो जाते हैं तब हमें उसका स्टोरी दिखाया जाता है, बैक स्टोरी, जो कि ऐसा है कि उतना ज़्यादा खास नहीं, जो मैं पहले भी बोल चुका, जो कि ऐसा है कि वो घर में रहता था, वो उसका माँ बाप और उसका भाई था, जो कि लव हाशिरा होने के 14 महीने बाद उसकी माँ प्रेगनेंट हो गई। तो क्योंकि 14 महीने बाद उसका भाई हुआ ऐसा कुछ था, मैं भूल गया। तो वो जो है जब उसका बाप उसको कंधे पे उठा के घुमाता था, वो उसका पापा बोलते थे कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा कुछ वो हो गया कि मेरे को भी ऐसे स्ट्रांग बनना है, लेकिन उसका बॉडी नहीं फूलता। ऑफकोर्स लड़की इसलिए नहीं होता, लेकिन भाई उसने 3 या 2 साल की उम्र में 33 पाउंड का पत्थर उठा लिया कहीं जोत। फिर उसके माँ बाप को पता चला कि भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है भाई, इसके उसकी उम्र के उसके डबल उम्र के मोटे लड़के को भाई पंजे में हरा देता है वो लड़की, इतना ज़्यादा पावरफुल। लेकिन वो उसका जो मसल है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उसके पास उतना ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जैसे सोच लो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है उसके अंदर। देन हमें पता चलता है कि वो सही में लव हाशिरा, इसलिए उसका नाम गया क्योंकि वो सही में लव हाशिरा है, क्योंकि वो पूरा बस लव 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 के चक्कर में, मतलब बचपन से ये सोचते आ रहा है कि भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मेरा बाल ले अलग कलर के हैं, मेरे को कोई पसंद करेगा, मेरे से कोई शादी करेगा, मतलब भाई तेरे पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और क्या चाहिए भाई, किसी लड़के को क्या ज़रूरत है, पता नहीं यार, हो सकता है ज़रूरत उसके बारे में नहीं बात करते हैं, वो अलग लेवल पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर उसको लगता है एक दिन वो उसको मैरिज के लिए प्रपोजल आता है। देन वो सोचते हैं कि भाई अगर ये मेरे को असली रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरे को एक्सेप्ट करे, जो मेरे असली पावर को समझे मेरे लिए। तो फिर वो वहाँ से चला आता है एंड डेमन स्लेयर क्रॉप में ज्वाइन कर लेता है। देन हमें दिखाया जाता है कि वो हाशिरा बन चुका है, जो डेमन स्लेयर का जो लीडर है हाशिरा लीडर, वो उसको हाशिरा घोषित कर देता है। देन वो बहुत खुश हो जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि तांजिरो एंड बाकी गेनिया और नेजुको तीनों मिलकर उसको बचा रहे हैं, क्योंकि उधर अपर मून 5 हमला कर रहे, इधर नॉकडाउन होकर पड़ा हुआ था। देन हमें क्या कहते हैं, वो जाग जाता है एंड देखता है कि तांजिरो बोल रहे हैं कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि यही एक है जो हमको बाद में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हाशिरा है। देन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वो बोलती है कि मैं अब तक होल्ड बैक कर रहा था, और मैं वैंचो ये सोच रहा था कि भाई ये अगर ऐसा करके भी होल्ड बैक कर रहा है मतलब ये क्या कर सकता है। एंड देन सही में वो बोलते हैं कि मैं इसका अकेले संभाल लूँगी, मतलब अपर मून फोर का जो मेन बॉडी है उसको छोड़ो, वो तो कोई पावर नहीं है उसके अंदर, वो अटैक भी नहीं कर सकता, बस भाग सकती है और रो सकती है, अभी तक इतना ही दिखाया गया। तो मैं सोचा कि भाई इसका असली पावर क्या हो सकती है जो इतना ऐसा बोल रहा है। अब मेरे को वो रेनबो की याद आ गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो ये जो ऐसे बोल रहा था ना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बोल रहा था, और इसका स्टोरी देख के ऐसा लग रहा था कि ये कर सकता है। एंड भाई देन हमें दिखाया जाता है साला ये बोलता है कि तुम तीनों मिलके उस छोटे को ढूंढो, मैं अकेला इसको संभाल लेती हूँ, और भाई सही में संभाल लेती है यार, उसके जो ड्रैगन भाई कितने सारे ड्रैगन एक साथ आ रहा है, लेकिन वो एक बस में संभाल ले रही है,
अपने हाथों से ड्रैगन को रोक दे रही, इतना ज्यादा सुपरमैन स्ट्रेंथ है। एंड एक ड्रैगन उन तीनों के ऊपर हमला करने जा रहा था, उसको भी काट दिया। बोल रहा है कि मैं बोला था ना मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए? भाई ऐसा लग रहा है कि वो स्वैग दे रहा है भाई। अभी अगर कोई मेल होता तो सिग्मा बन जाता, इतना बढ़िया गया उसने। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि तांजिरो गेने और नेज़ुको उस बच्चे को ढूंढ लेते हैं, मतलब अपन फोर के असली बॉडी को ढूंढ लेते हैं। एंड वो एक मतलब उड़ के अंदर थोड़ा सा पूरा एकदम स्ट्रांग उड़ के अंदर बैठा हुआ है। एंड देन वो लोग उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर उसको तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद देखते हैं कि वो वहाँ पर नहीं है, फिर से भाग जा रहा है एक्चुअल। अब वो भागता है और ये लोग फिर आखिरी में जाके फिर पकड़ लेते हैं। एंड देन जब मारने जाते हैं तब नेक्स्ट एपिसोड एंड। तुम ही बताओ, मुँह से गाली निकले या कुछ निकले? हाँ ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड एक घंटे का आने वाला है, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, बस इतना बता सकता हूँ कि सीजन 3 जो होगा वो हैप्पी एंडिंग होगा, तो तुम लोग उतना ज़्यादा टेंशन मत। एंड एक और बात भाई, अगर तुम लोग एक्सप्लेन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ यार जो हमारे ये लव हशिरा है ये कितना ज़्यादा प्यार का बुक है, कितना ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितना देखा ना ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड आगे देखते हैं क्या होता है, और वीडियो को तुम लोग लाइक कर देना और शेयर कर देना, जो भी करना है कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।